नमस्कार किसान भाइयों, मैं एमडी अख्तर केजीएन मृदा संजीवनी के माध्यम से। किसान भाइयों, आज हम लोग चर्चा करेंगे बेड बनने से लेकर केचुआ छोड़ने तक का संपूर्ण प्रोसेस। किसान भाइयों, अगर आप अपने घर पे बर्मी बेड लगाना चाहते हैं या केचुआ खाद बनाना चाहते हैं तो कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं। आज हम आपके बीच में वही बातों का चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, अगर हम अपने घर पर बर्मी कंपोस्ट का बेड लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको गोबर चाहिए। गोबर कैसा होना चाहिए? किसान भाइयों, आप लोग ध्यान दें कि हम जो भी गोबर का प्रयोग करने वाले हैं वह गोबर 10 दिन से लेकर 2 महीने पुराना तक का चाहिए। ज़्यादा पुराना हम गोबर नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसमें गैस बना होता है, मेथेन। तो किसान भाइयों, हम जो भी गोबर का यूज करने वाले हैं वो 10 दिन पुराना से लेकर 2 महीने पुराना तक का गोबर चाहिए। और उस गोबर को लेने के बाद उसको हम ठंडा करते हैं। ठंडा क्यों करते हैं? क्योंकि गैस को बाहर निकालने के लिए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हमारा गोबर ठंडा हो गया, उसके बाद हम जिस भी जगह पर बेड बनाना चाहते हैं वह जगह समतल होनी चाहिए। जगह समतल अगर होगी किसान भाइयों तो हमारा बेड बहुत ही अच्छा तरीके से बनेगा। उसके बाद जगह समतल अगर हो गई तो साइड में हमें ईंटे का एक लेयर दीवार लगाना चाहिए। दीवार क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारा केचुआ फोटोसिंथेटिक होता है और उसकी वजह से हमारा केचुआ बाहर नहीं जा सके, इसलिए दीवार लगाते हैं। और किसान भाइयों, दीवार लगाने के बाद हम उस पर पोलोथीन बिछाते हैं। तो चलिए, हमारा गोबर ठंडा हो गया, साइड में दीवार लगा लिए, पोलोथीन बिछा लिए। अब हमको क्या करना है किसान भाइयों? हमको लेयर बाय लेयर गोबर डालना है। पहले लेयर में गोबर डालते हैं, उसके बाद में कुछ जैविक कचरा डालते हैं और उसको पानी से फिर ठंडा करते हैं। उसके बाद फिर गोबर डालते हैं और फिर कुछ जैविक कचरा डालते हैं और फिर पानी से कुछ ठंडा करते हैं। लास्ट में किसान भाइयों, कब्र नुमा आकार हम बनाते हैं और इस तरीके से हमारा बेड पूर्ण रूप से बन जाता है। और इसके बाद में किसान भाइयों, हमें केचुआ डालना है। केचुआ कौन सा प्रजाति का हमें डालना चाहिए? तो केचुआ किसान भाइयों, आइसेनिया फेटेटा प्रजाति, ऑस्ट्रेलियन ब्रीड, वही केचुआ इसमें उत्तम माना जाता है। और उस केचुए में सबसे बड़ी खूबी ये है कि -5 से 50 डिग्री तक तापमान सहन कर सकता है, तो इसलिए वही केचुए का चुनाव करना चाहिए। और उस केचुए के आंत में किसान भाइयों, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे पोषक तत्व तो होते हैं जिसको केचुआ खा करके लैटरिन करता है और वही हमारा एक नंबर का बर्मी कंपोस्ट बनता है। तो किसान भाइयों, इस तरीके से हम केचुआ डाल सकते हैं। और ध्यान ये देना है कि 4:1 के अनुपात में केचुआ 1 kg डलेगा, यानी आपका बेड अगर 20 फीट है तो 20 kg केचुआ पड़ेगा। तो इस तरीके से हम केचुआ डालते हैं और लास्ट में उसके ऊपर पुआल डाल देते हैं और उसको पानी से ठंडा करते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। तब तक के लिए सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।